हम लोग ऐसे शाम के टाइम बोर हो रहे थे तो सोचा कहीं चलते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग मराइन ड्राइव, आप यहाँ पे नजारा देख पा रहे होंगे, ज्यादा क्लियरली तो नहीं दिख रहा क्योंकि हम लोग शाम के टाइम पे गए थे। आप अगर चाहें तो सुबह आ सकते हैं, पूरा सुबह सुबह एंड हाई, और या फिर आप शाम के टाइम भी आ सकते हो। एंड इतने बिजी स्केड्यूल में ना मैं मेरे हस्बैंड को टाइम दे पाती हूँ ना मेरे हस्बैंड मेरे को टाइम दे पाते, तो हम लोग ने सोचा चलो कहीं पर टहल के आते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करके आते हैं। तो ये रहा नज़ारा, आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर है, बहुत काम प्लेस है गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं गिरगांव चौपाटी एंड वहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, और स्पेशली जो मेरा फेवरेट है वो है खाना। सो चलिए देखते हैं फिर। यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज़्यादा है गाइस, एंड चलिए देखते हैं फिर हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने बहुत कुछ ट्राई किया, यहाँ पे वैरायटीज ऑफ फूड आपको मिलेंगे ट्राई करने के लिए। एंड मुंबई स्पेशल जो है बड़ा पाव, देन पाव भाजी वगैरह, बहुत सारे तरह के बहुत सारे फ्लेवर्स के मिलते हैं। एंड आप जो देख पा रहे होंगे बहुत सारा चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। फालूदा वगैरह भी मिलता है गाइस, एंड डिफरेंट टाइप्स के चिप्स वगैरह भी मिलते हैं जो कि मेरा फेवरेट है। गाइस फिर हम लोग घर लौट रहे थे तो हम लोग को ये स्टैचू शहीद तुकाराम ओंबले का स्टैचू देख के ये याद आ गया कि 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, इनके वजह से ही जो कसाब है टेररिस्ट वो पकड़ा गया था, इन्होंने AK-7 की गोलियां अपने सीने में खा ली थी। उसके बाद गाइस हम लोग घर के लिए निकल गए, एंड कल गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डे है हम लोग के लिए। कल कुछ स्पेशल पर्सन हम लोग मिलने वाले हैं, आपको उनसे मिलाने वाली हूँ मैं। एंड कल हम लोग बहुत सारे जगह एक्सप्लोर करने के साथ बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। टिल देन बाय।